जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बुधवार को देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल तथा खाद्य पदार्थों के दामों के विरोध में टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा से ताली थाली बजाकर पैदल मार्च निकाला और महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। जिसके संबंध में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सोनिया शुक्ला ने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले 6 महीने में 46 बार पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि की है तथा खाद्य सामग्री एवं घरेलू गैस के दामों में बेलगाम वृद्धि करती जा रही है, जिससे देश और प्रदेश के आम जनमानस को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों का बजट बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई को सरकार वापस ले, नहीं तो सभी कांग्रेसी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंजीनियर अभिजीत पाठक, महानगर अध्यक्ष आदि अंश गांधी, महिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सबीहा अली, प्रेमलता चतुर्वेदी, आलोक मल, सुमित पांडे सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सोनिया शुक्ला ने कहा, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस। विरोध प्रदर्शन कर रही हैं आज हम लोग? बढ़ते हुए खाद्य पदार्थों, पेट्रोल डीजल महंगाई, बढ़ते हुए महंगाई के खिलाफ हम लोगों का आज प्रदर्शन है। और आज हम लोग प्रधानमंत्री जी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ताली और थाली बजाने से किसी का पेट नहीं भरता है। जब पेट में भूख होती है तो सबको 2 टाइम रोटी की व्यवस्था चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपनी जनता के लिए 2 टाइम रोटी की व्यवस्था करें, ना कि हिंदू मुस्लिम करें, और महंगाई को कम करें। उसी के संदर्भ में हम आज महिलाएं और सभी फ्रंटल संगठन के लोग जो है आज हम लोग जो प्रदर्शन किए हैं महंगाई के विरोध में, हम लोगों ने प्रदर्शन किया है ताकि महंगाई जो है चरम सीमा अपनी पार करती जा रही है। रोजी रोजगार सबका ठप है। इस माहौल में सबसे ज़्यादा परेशान सामान्य वर्ग के लोग हैं। कुछ परिवार तो ऐसे हैं कि बाहर से देखने में संपन्न नजर आते हैं, लेकिन अंदर से उनकी व्यवस्थाएं जो है बहुत ही खस्ता हालत है। और हम सभी लोग ताली और थाली बजा करके महंगाई का विरोध कर रहे हैं।